वो पूरा के पूरा बिहार के इतिहास बा। चाहे वो नंद वंश के काल होखे या मौर्य वंश के काल होखे, चाहे गुप्त वंश के काल होखे, बिहार ई भूमि हुई जहां सूर्य देव के हर रूप में पूजा हो गई। सूर्योदय के पूजा हो गई, ख्वाब देखने लगे और उन्होंने विश्वासघात भाजपा से नहीं किया है, विश्वासघात बिहार के कोटि कोटि जनों से किया है। ये विश्वासघात आपके साथ है, मैं जानता हूं आप क्या सुनना चाहते हो। ये विश्वासघात वालों को उखाड़ के फेंक दोगे, चुन चुन के साफ कर दोगे। भाइयों बहनों, गांधी ने कहा था चंपारण में, कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान की बात कही, अंग्रेज मुक्त हिंदुस्तान की बात कही थी चंपारण में, महात्मा गांधी ने चंपारण में अंग्रेज मुक्त हिंदुस्तान की बात कही थी। आज यहां से बिगुल बनना चाहिए, गांधी मैदान से बिगुल बजना चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान साकार करे। भाइयों बहनों, मित्रों, मैं कल रात को टीवी देख रहा था, हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, नींद नहीं आ रही है, बेचैन है, और वो कह रहे हैं मोदी शहजादा क्यों कह रहे हैं। उनको इतराज है हमारे देश में हमें ये शहजादे कहने की नौबत क्यों आई। कांग्रेस के मित्रों, अगर आपको मैं शहजादे कहूं आपको बुरा लगता है, तो इस देश को भी इस वंशवाद से बुरा लगता है। कांग्रेस वादा करे वो वंशवाद को छोड़ देंगे, मैं शहजादा कहना छोड़ दूंगा। वंशवाद की राजनीति को छोड़े, हम शहजादा कहना छोड़ देंगे। भाइयों बहनों, जयप्रकाश नारायण जी लोकतंत्र के लिए जिए, लोकतंत्र के लिए जूझते रहे, और लोकतंत्र के लिए जेल में जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो गए थे। लोकतंत्र के चार दुश्मन होते हैं भाइयों, लोकतंत्र के चार दुश्मन होते हैं। एक दुश्मन है, सबसे बड़ा लोकतंत्र का दुश्मन है परिवारवाद, वंशवाद, एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। लोकतंत्र का दूसरा दुश्मन है जातिवाद है, लोकतंत्र का दुश्मन तीसरा है संप्रदायवाद का जुनून, और लोकतंत्र का चौथा दुश्मन है अवसरवाद, मौका परस्ती। देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है भाइयों,
कि आज बिहार की राजनीति में ये चारों चीजें उभर करके आई है। यूपीए के राजनीति में भी ये चारों चीजें उभर करके आई है। बिजली वाले उधर देख लेना भैया, भाइयों बहनों, बिहार में ये चारों चीजें उभर करके आई हैं। भाइयों बहनों, भारत सरकार, यूपीए की सरकार, अब 10 साल उनके पूरे होने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, जब पिछली बार चुनाव में कांग्रेस के नेता आए थे, उन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई हटाएंगे, कहा था कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई हटाने का वादा किया था। जरा जोर से जवाब दो, कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई हटाने का वादा किया था। महंगाई हटी? महंगाई घटी? महंगाई बढ़ी? भाइयों बहनों, जिस कांग्रेस ने आपके साथ वादा खिलाफी की और 10 साल हो गए दिल्ली के तख्त पर बैठे हैं, क्या उनको अब घर भेजने की नौबत आई है कि नहीं आई है? उनको विदा करोगे? मैं आज सार्वजनिक रूप से यूपीए की सरकार को आह्वान करता हूं, 2004 में आपने सरकार बनाई, 2009 में आपने सरकार बनाई और मिनिमम कॉमन एजेंडा के तहत आपने देश की भलाई के लिए कुछ बातें कही थी। भाइयों बहनों, पहले 100 दिन में काम करने के लिए जो कहे थे उन्होंने, उसमें से 80% काम उन्होंने नहीं किया। 80% ऐसे लोगों को माफ करना चाहिए, ये कांग्रेस ने सत्ता प्राप्त करने के बाद तुरंत कहा था कि वे गंगा की सफाई करेंगे। भाइयों बहनों, आज पूरा गंगा का पट देख लीजिए, एक प्रकार से बीमारियों का घर बना के रख दिया है। क्या भाइयों बहनों, हमारी प्राण प्रिय गंगा साफ होनी चाहिए कि नहीं थी? कांग्रेस ने वादा पूरा करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? जिन्होंने वादा पूरा नहीं किया, मेरे नौजवान दोस्तों, ये कांग्रेस ने कहा था कि वो सत्ता में आएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। कांग्रेस ने वादा किया था? जरा बिहार के नौजवान जोरों से बोलिए, कांग्रेस ने रोजगार देने का वादा किया था? आपको रोजगार मिला? आपको नौकरी मिली? भाइयों बहनों, अगर मेरे नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मित्रों, आज गरीबी देश की बहुत बड़ी समस्या है। महंगाई के मार के कारण गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चे रात रात रोते हैं, मां आंसू पी करके सुलाती है। भाइयों, ये पाप किसका है? क्या गरीब को दो टाइम खाना मिलना नहीं चाहिए? क्या गरीब की थाली में रोटी नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, मेरा किसान आज महंगाई के मार से वो भी मर रहा है, जिस प्रकार से खाद की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से फर्टिलाइजर महंगा हो रहा है। और ये सरकार देखिए, किसान को खाद मिल नहीं रहा है, लेकिन आपके बरौनी में खाद का जो कारखाना लगा है उस पर ताले लगे हुए हैं। देश को नुकसान हो रहा है, लेकिन ये दिल्ली की सरकार को न किसान की परवाह है, न गरीब की परवाह है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में गरीबों की भलाई के लिए
हिंदुस्तान में गरीबों की भलाई के लिए एक 20-पॉइंट प्रोग्राम चलता है। हर सरकार उस 20 सूत्री कार्यक्रमों का लागू करता है। 6 महीने उसका मॉनिटरिंग करती है, लेखा जोखा लेती है। लागू करने वाले पहले 5 राज्य जो हैं वो भाजपा के राज्य हैं, भाजपा शासित सरकारें हैं, लेकिन बिहार का नंबर ये हमारे मित्र गरीबों की बातें करते हैं 20वें नंबर पे खड़ा है। ये गरीबों के नाम पर रोटी फेंकने वाले लोग गरीबों की मजाक उड़ा रहे हैं। जिस प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री हैं, वो प्लानिंग कमीशन कहता है अगर आपके घर में दिन भर की आय 26 रुपया है तो आप गरीब नहीं है। आप इस बात से सहमत हैं? आप सहमत हैं भाई? आप सहमत हैं? अरे 26 रुपये में परिवार को पीने के लिए चाय नहीं मिलती। उनका एक नेता तो कह रहा है 12 रुपये में खाना मिल जाता है। मिलता है भैया? ये मजाक है कि नहीं है? इनको गरीबी क्या है पता नहीं है, इनको भूख क्या होती है पता नहीं है मित्रों, इन्होंने गरीबी कभी देखी नहीं है मित्रों। हम गरीबी में पैदा हुए हैं, हमने गरीबी देखी है, हमने गरीबी को जिया है मित्रों। बिहार ने ढेर सारे रेल मंत्री दिए। भाइयों बहनों, मैं रेल मंत्री तो सोच भी नहीं सकता हूं, मैं तो रेल के डिब्बे में चाय बेचते बेचता यहां आया हूं। और रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाले को रेल की मुसीबतों का जितना पता होता है उतना रेल मंत्रियों को भी पता नहीं होता है। हमें पता होता है कितनी मुसीबतें होती है, टीटी को कैसे संभालना पड़ता था, गार्ड को कैसे संभालना पड़ता था, ट्रेन में चढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता था, बचपन में सब भुगता है भैया। ये लोग ये गरीबी की बातें कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इस देश में संप्रदायवाद को भड़काने का पाप इन राजनेताओं ने किया है। उनको कभी जातिवाद भड़काओ, कभी प्रांतवाद भड़काओ, कभी संप्रदायवाद भड़काओ, यही उनके कारनामे रहे हैं मित्रों। यही धरती है जिस धरती पर चाणक्य पैदा हुए थे, और वो कालखंड हिंदुस्तान का स्वर्णिम कालखंड था, हिंदुस्तान का स्वर्णिम कालखंड था। कारण क्या था? चाणक्य का मंत्र था सबको जोड़ो, छोटे छोटे राजे रजवाड़ों को जोड़ो, भारत को एक बनाओ। और वही कालखंड था जब हिंदुस्तान का मानचित्र सबसे फैला हुआ था। लेकिन जब से कांग्रेस आई, उसने विभाजन का नारा उठाया, संप्रदाय के नाम पर बार बार तोड़ा, दूसरे आए जातिवाद का जहर फैलाया, तीसरे आए उसने जाति के भीतर भी जातियां पैदा करने का प्रयास किया। बिहार में फिर से एक बार अगर स्वर्ण युग लाना है, अगर बिहार को फिर से चाणक्य की उस महान विरासत को हासिल करना है तो हमें जोड़ने की राजनीति करनी पड़ेगी, तोड़ने की राजनीति से देश नहीं चलेगा। हमें जाति जाति को जोड़ना है, भाई भाई को जोड़ना है, हर संप्रदाय को जोड़ना है, और तब जाकर के मेरा बिहार आगे बढ़ेगा।